नमस्ते, मेरा नाम विवेक राठौर है। मैं ऑथर हूँ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल का एंड न्यूरो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे COVID-19 डिजीज़ की, कोरोना डिजीज़ की। प्रेजेंट टाइम पे जिस तरीके से COVID-19 कोरोना हम लोग की लाइफ को जिस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, और जितने भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसमें से कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। उनको हॉस्पिटल में बेड मिलने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उनको ऑक्सीजन को लेकर अनसर्टेनिटी है, मेडिसिन को लेकर अनसर्टेनिटी है। तो एक थोड़े से हम लोग पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो इस सिचुएशन में क्या अपने माइंडसेट से, अपने कुछ मेंटल टेक्निक से, अपने ब्रेन की पावर से, अपने माइंड की पावर से क्या हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? क्या उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोग इस सिचुएशन को हील कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। तो आज मैं कुछ टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जिसको प्रैक्टिस करके जितने भी आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन एंड जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, काढ़ा पीना, जितनी भी हीलिंग मेजर्स की चीज़ें हैं, अगर आप उसके साथ इसको भी ऐड कर लेते हैं तो जहाँ पे भी जो रिसोर्स की जो भी कमी आ रही है, वो सारी रिसोर्स की कमी को ये कुछ टेक्निक्स पूरा करके आपको 100% हील करेगा। आज का जो डिस्कशन होगा उसको हम लोग तीन हिस्से में होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके कॉज की बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी हीलिंग की बात कर रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तो अगर वो उसके कॉज को समझ के करेगा, अगर उसके कॉज को समझेगा, समझ रहा है, और उसके कॉज से रिलेटेड वो हीलिंग है या टेक्निक है या वो थेरेपी है, तो उसको उसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉज की बात करेंगे, फिर हम लोग माइंडसेट की बात करेंगे कि हमें क्या माइंडसेट इस समय रखना चाहिए, हमें एज ए पेशेंट क्या सोचना चाहिए, वो कौन सी एम्पावरिंग थॉट है, वो क्या माइंडसेट है जो हमें सोचना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हील हो सके, रिकवर कर सके। एंड थर्ड, मैं आपको कुछ मेंटल टेक्निक शेयर करूँगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप इसको पूरे फेथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अगले कुछ दिनों के अंदर, विद इन 4, 5, 6, 7 डेज, जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, कौन इस पर कितना फेथ करता है, किसके बिलीफ इसको कितना सपोर्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो, चाहे आपको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रहा हो, चाहे जो भी कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो, हर तरह की लिमिटेशंस को ये बीट करने की पावर रखता है। सो, सबसे पहले हम लोग कॉज की बात करते हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है जो कहता है थॉट बिकम थिंग्स। तो ये जो डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ इतनी फैली, उसके जो मल्टीपल रीज़न में एक रीज़न ये भी रहा कि हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा, इस पर अपना जो फोकस, अपना जो अटेंशन, अपनी थिंकिंग, इसको बहुत ज़्यादा दिया। हमने इसको फुल्ली एक्सेप्ट किया कि ये महामारी है, ये महामारी है, ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक है। जो फर्स्ट वेव था, इस वेव के सामने देखें तो इसके सामने वो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने बिल्कुल जब लास्ट टाइम भी इसकी जो रिकवरी रेट थी अराउंड 99% जा रही थी, तो 99 रिकवरी रेट जाने के बावजूद भी हमने इसको बहुत, जिस तरीके से हमने इसको, हमारी जो थिंकिंग थी वो हमारे अगेंस्ट ही जाने वाली थी, हमने इसको बहुत डेडली डिजीज़ की तरह ट्रीट किया, बहुत डेडली डिजीज़ की तरह हमने अपनी थॉट में इसको परसीव किया, और जो हम लोग की थिंकिंग में जो परसेप्शन थी, जो कि हम लोग की जो साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ कहती है कि अगर आपकी जो भी रेपिटेटिव थिंकिंग होती है वही आपकी फिर बिलीफ बनती है, वही आपकी रियलिटी क्रिएट होती है, अब हम लोग जो पहले हम लोग जो थिंकिंग बार बार रेपिटेटिव अपने माइंड को दे रहे थे, अब वो हम लोग की रियलिटी, वो हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अभी तक की जितनी भी रिसर्च है वो सारी ये कहती हैं कि हम लोग की जो लाइफ होती है उसमें हम लोग की जो थॉट्स है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और आज हम लोग जिस डिज़ीज़ से गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन तक पहुंचने में हमने प्रेजेंट डिजीज़ को लेके जो थॉट चूज़ किया था, जिस थॉट को हमने एक्सेप्ट किया था, जिस थॉट को हमने अडॉप्ट किया था, वो थॉट था महामारी का, पेंडेमिक का, बहुत नेगेटिव था। तो जो हमने थॉट को एक्सेप्ट किया था, नर्चर किया, नूरिश किया, एम्पावर किया, सपोर्ट किया, उसके रीजंस ढूंढे, आज हम लोग उसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है, इस डिज़ीज़ के क्रिएशन में हमारे थॉट्स का बहुत मेजर रोल रहा है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका बहुत मेजर रोल रहा है। तो इसीलिए जिस तरीके से हमारे माइंड से, हमारे थॉट्स के का एक मेजर रोल रहा है इसको क्रिएट करने में,
उसी तरीके से सेम टूल को हम लोग यूज़ करके इसको हील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती भी नहीं है। हम लोग का बॉडी बहुत से फंक्शन ऐसे करता है जो खुद ही कर सकता है। हम लोग का बॉडी, हम लोग का ब्रेन किसी भी डिजीज़ को हील कर सकता है और इसलिए इस डिजीज़ को भी हील कर सकता है। सो अब हम लोग बात करेंगे माइंडसेट की, कि इस अगर आपको ये डिजीज़ हो चुका है तो क्या सोचें, क्या माइंडसेट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ है आप वो गैदर करने की कोशिश कीजिए। और इस डिज़ीज़ को लेके अभी तक की जो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ रही है वो ये रही है कि इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, इसकी रिकवरी रेट 99% रही है। और जो 1% लोग जो रिकवर नहीं कर पाए उनमें भी चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि उनको इसके साथ कुछ और भी डिजीज़ थे जिसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए, या शायद उनको जो भी राइट ट्रीटमेंट या राइट उनको क्योर नहीं मिल पाया। सो दिस इज़ द थिंग। एक माइंडसेट जो आपको प्रैक्टिस करना है वो सिंपल सी एक बात है कि अगर कोई भी डिजीज़ है अगर वो डायग्नोज हो जाती है तो अगर आपको उसकी मेडिसिन मिलती है तो जिस तरीके से बाकी लोग ठीक हो रहे हैं उस तरीके से आप भी ठीक होंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 7 अप्रैल से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। मैंने पहले डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने मुझे नॉर्मल वायरल की मेडिसिन दिया। 4-5 डेज़ बाद ठीक नहीं होने के बाद उन्होंने टेस्ट रिकमेंड किया, उस टेस्ट में उन्होंने मलेरिया टाइफाइड के टेस्ट किए जो कि पॉजिटिव आए, उन्होंने उसकी मेडिसिन शुरू की। उसकी मेडिसिन लेने के बाद रिकवर उसमें फ़ायदा होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने 17th को मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव आया। तो जब वो पॉजिटिव आया तो मैंने उसकी मेडिसिन लेनी भी शुरू की। तो जैसे ही उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की जो अगले 1-2 दिन के अंदर मैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ पे भी रिकवर करना शुरू कर गया, जो फीवर कंट्रोल होना वो मेरा धीरे धीरे शुरू हो गया। तो एक सिंपल सी एक माइंडसेट प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो भी डिजीज़ डायग्नोज हो रहा है, लगभग सभी अभी तक जितने भी नॉन डिजीज़ है, कोरोना भी, इन सभी डिजीज़ की मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन ले रहे हैं लोग और मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। तो जब बाकी लोग मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक होंगे। प्रॉब्लम केवल तब होती है जब हमारी जो डिजीज़ है वो डायग्नोज ना हो। तो आपको एक सिंपल सा माइंडसेट प्रैक्टिस करना है कि आपको जो भी डिजीज़ है अगर वो डायग्नोज हो चुका है तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो भी मेडिसिन है, जिस मेडिसिन से बाकी लोग ठीक हो रहे हैं आप भी ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी डिजीज़ डायग्नोज नहीं होती हो, जो कि प्रॉब्लम अभी किसी के साथ नहीं हो रही है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपकी जो भी डिजीज़ है आपको डायग्नोज हो रही है। तो इवन आपको अगर कोविड भी है, कोरोना भी है, तो कोविड कोरोना की भी मेडिसिन है जिससे बाकी लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो जाएंगे। दैट्स इट, बस ऐसा ही सोचना है। जब मेरा रिपोर्ट आया 17 अप्रैल को, जब मैं पॉजिटिव आया तो मैं आई वॉज़ नॉट सैड, आई वॉज़ हैप्पी कि ठीक है पता चल गया है। मुझे प्रॉब्लम तब तक थी जब तक मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ है जो डायग्नोज नहीं हुई है। पहला मेरा टेस्ट हुआ उसमें मलेरिया आया, टाइफाइड आया, तो मुझे लगा चलो ठीक है, मुझे पता चल गया प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसकी मेडिसिन शुरू किया, मेरा वो रिकवर होना शुरू हुआ। उसके बावजूद भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, इसका मतलब, क्योंकि मैं जिन डॉक्टर को दिखाया उनका भी कोरोना कोविड पे उनका भी फेथ या ट्रस्ट नहीं था, उनको लगा कि नहीं शायद ये कोई ऐसा जितना डिजीज़ ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे इसे अभी भी ले रहे हैं, उसके अपने अलग अलग रीज़न हैं। तो जैसे ही मेरा डायग्नोज हुआ, 17 अप्रैल को मेरा डायग्नोज हुआ सिटी स्कैन के थ्रू कि ये पॉजिटिव हूँ, और जैसे ही मैंने मेडिसिन शुरू किया मुझे 1 या 2 दिन में मेरा ये रिकवर होना शुरू हो गया। क्योंकि एक बहुत सिंपल सा माइंडसेट है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि कोई भी डिजीज़ को बस राइट डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, और राइट डायग्नोसिस हो गया तो उसकी जो भी मेडिसिन है आप अगर उसको खाएंगे तो आप बहुत तेज़ी से रिकवर होंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। ये माइंडसेट आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ और मैं आपको बातें शेयर करता हूँ। अभी तक थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एग्जाम्पल हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडी ऐसी हो चुकी हैं जिसमें डॉक्टर ने पेशेंट को डिनाई कर दिया कि आपका जो डिजीज़ है वो इनहीलेबल है, अनक्योरेबल है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन पेशेंट ने डॉक्टर की बात को ना मान के अपने विल पावर से, कुछ मेंटल टेक्निक से, अपने विल पावर से अपने आप को हील किया। कुछ नाम मैं आपको शेयर करता हूँ। एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर ह्यू लेन।
वो अपने पेशेंट को ऐसी थॉट बेस्ड हीलिंग देते थे, उनके जो पेशेंट होते थे उनको मेडिसिन ही देते थे। उन्होंने एक फोर सेंटेंस का एक फ्रेज बनाया जो कि बहुत फेमस है, हो ओपोनोपोनो टेक्निक के नाम से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये फोर सेंटेंस का उन्होंने एक फ्रेज बनाया और बस वो प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने पेशेंट को हील किया। डॉक्टर जैनो जो प्राइमल थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो अपने पेशेंट की पास्ट लाइफ जर्नी उनको उसको थिंकिंग में ट्रेवल कराते हैं और उनकी जितनी भी डिजीज़ होती है वो हील होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर आइसले जब ये सर्जरी करते थे, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो सेप्टिक ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते थे, तो ये अपने पेशेंट को सजेशन देते थे कि मैं तुम्हें तुम्हारा सर्जरी करने जा रहा हूँ और तुम्हारी जो बॉडी है वो मुझे फुल्ली सपोर्ट कर रही है ताकि ये हम लोग का जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो पाए। एक पर्सन है वोल्फ मेसिंग, जिनकी स्टोरी मैंने शेयर किया है मेरे और आप यूट्यूब वीडियोज़ में देख सकते हैं। इन्होंने अब से 100 ईयर्स पहले इन्होंने प्रूफ किया था कि अगर हम लोग किसी को कोई सजेशन अगर हम लोग दे दें तो वो चीज़ हो जाती है। अलग अलग सिचुएशन में इन्होंने इसको प्रूफ किया था, जो मैं डिटेल में एक वीडियो में आप चाहे तो देख सकते हैं। एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉन ली, इनको 3 बार, इनको डेथ सेंटेंस की सजा हुई, इनको 3 बार हैंग टिल डेथ की कोशिश की गई और ये 3 बार बच गए क्योंकि इनका एक बिलीव था, इनको एक मर्डर केस में इनको डेथ सेंटेंस की सजा हुई थी और ये कोर्ट में ये कह रहे थे कि सर मैं साबित तो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई सच एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि वो जहाँ पे ये वो जिस जिसका मर्डर हुआ था उस घर में ये सर्वेंट थे, तो जब मर्डर हुआ था तो उस सिचुएशन में और कोई नहीं दिख रहा था, तो कोर्ट को लगा कि जब और कोई नहीं है तो फिर यही पर्सन मर्डर होगा। इन्होंने कोर्ट में बोला कि सर मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं मुझे पूरा भरोसा है कि मैं किसी न किसी तरीके से बच जाऊँगा। 3 बार इनको कोशिश की गई इनको हैंग टिल डेथ की सजा देने की और 3 बार ये बच गए, फिर बाद में इन्होंने कोर्ट में इनको छोड़ दिया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ बिलीफ। लुइस है, इन्होंने अपने कैंसर को हील किया इन्हीं कुछ मेंटल टेक्निक से और अपने विल पावर से। सो जब और देयर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज मिल जाएंगी। और देखिए, आपको वो स्टोरी चूज़ करनी चाहिए जो आपको एम्पावर करे, जो आपको इनेबल करे, जो आपको हील करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको फायदा करे। फाइन, कुछ और फैक्ट मैं आपको शेयर करता हूँ। एक रिसर्च ये कहती है कि हम लोग के ब्रेन में, हम लोग के बॉडी में इतनी पावर होती है कि हम लोग किसी भी एक सिटी की को हमारा बॉडी 1 सप्ताह तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। सो अगर हमारे बॉडी में इतना पावर है तो नाउ इज़ द टाइम टू टेस्ट इट, नाउ इज़ द टाइम टू यूज़ इट। एक और मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूँ, हम लोग के ब्रेन के, हम लोग के माइंड के पास बहुत सी कुछ ऐसी पावर होती हैं जो वो स्पेशल सिचुएशन में वो हमारा ब्रेन हमें उसको उसका उस तक एक्सेस देता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्शियसली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेडिसिन नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी एडवर्स सिचुएशन है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है और जो भी मैं आगे में टेक्निक बताने जा रहा हूँ आप उसको पूरे फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आप 100% ठीक हो जाएंगे किसी भी लिमिटेशन के साथ, आपके आपको मेडिसिन मिले ना मिले, मेडिसिन की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, आप इन टेक्निक से आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। एक इंडियन सेंट थे जिन्होंने 3 to 4 times क्लिनिकली प्रूफ किया, लैब में प्रूफ किया अपने आप को कि वो क्लिनिकल डेड होने के बाद भी वो जिंदा रह जाते थे। एक्चुअली वो करते क्या थे, उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया कि आप मुझे टेस्ट कीजिए कि आई एम लाइव अ डेड। तो वो अपनी प्राण ऊर्जा को, वो अपने आप को श्रिंक कर लेते थे अंदर से, और जब डॉक्टर उनको टेस्ट करता था उनके बॉडी में सारे सिम्टम्स, जो भी ब्रीथ उनका, जो भी हार्ट बीट, सब कुछ बंद हो जाता था। तो उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने डॉक्टर से बोला कि अगर आप मुझे टेस्ट में, अगर आपको लगे कि मैं डेड हूँ तो आप मुझे डेड लिख देना। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। ये 3 to 4 times उन्होंने किया। तो जब उनका सारे सिम्टम्स ऐसे आते थे कि जब डेड के, तो डॉक्टर ने लिखा कि ही इज़ डेड, और फिर वो अपने आप को फिर से वापस आ जाते थे, वापस वो उठ के बैठ जाते थे।
उनके इस इंसिडेंट के बाद अब कोई भी पर्सन मरता है तो क्लिनिकली डेड लिखा जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ही इज डेड। मेडिकल साइंस अब ये नहीं कहता है कि ही इज डेड, मेडिकल साइंस बोलता है कि हमारी साइंस के हिसाब से ही इज डेड। अब इस एग्जांपल को मैं कोट क्यों कर रहा हूँ, इस रियल इंसिडेंट को मैं कोट क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि देखिए हमारी जो बॉडी है, हम सबके पास सेम नर्वस सिस्टम है, सेम ब्रेन है, सेम बॉडी है, इसके पास इतनी पावर है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई आपको जब कम भी हो जाती है तो भी आपके बॉडी को पता है कि अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाओगे, अगर आप डर जाओगे, अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल दोगे कि नाउ आई एम गॉन, तब आपका ब्रेन आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप फाइट करोगे, अगर आप खुद का सपोर्ट करोगे, खुद को आप इम्पावर करोगे, डिजीज़ के साथ आप फाइट करोगे इस माइंडसेट के साथ और कुछ जो टेक्निक बता रहा हूँ उसके साथ, तो आप इस डिजीज़ को विथ 100% सर्टेनिटी आप हील कर लोगे किसी भी ऑर्ड में। सो होप आप समझ पे आओगे। अब हम लोग आते हैं टेक्निक्स पे। अब हम लोग कुछ टेक्निक्स पे आते हैं और ये टेक्निक वर्क कैसे करती है सबसे पहले वो समझते हैं, ताकि आपका इस पे फेथ बढ़े और आप इससे इसको यूज़ करके 100% अपने आप को हील कर सके और आपके अंदर एक ये हो कि ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है मेडिसिन जो करे वो करेगी, बाकी तो मैं इससे कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। जो हम लोग का जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हम लोग की जो नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है, हम लोग की जो ब्रेन की जो स्टडी है, लाइफ की जो स्टडी है, वो ये कहती है कि हम लोग की लाइफ की जो भी रियलिटी होती है वो हम लोग के ब्रेन के बिलीफ होते हैं। हम लोग की लाइफ की जो भी रियलिटी होती है वो हम लोग के ब्रेन के बिलीफ होते हैं, हम लोग के माइंड के बिलीफ होते हैं। अब बिलीफ होता क्या है, देखिए जिस भी थॉट को, जिस भी बात को आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस भी थॉट को, जिस भी मैसेज को, जिस भी आइडिया को आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आपका बिलीफ बन जाता है। माइंड के टर्म्स में वो बिलीव बन जाता है और नर्वस सिस्टम के टर्म्स में, ब्रेन के टर्म्स में वो आपका एक न्यूरोलॉजिकल पाथ बन जाता है। और हम लोग की लाइफ की जितनी भी रियलिटी है वो हम लोग के बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब अगर आपको डिजीज़ हो गया है तो आपकी जो बिलीफ है वो ये है कि मुझे डिजीज़ हो गया है। आपको कोरोना हो गया है तो आपकी ये बिलीफ है कि आपको कोरोना हो गया है। तो क्या आपने बिलीफ को चेंज करके क्या इस डिजीज़ को हील किया जा सकता है? द आंसर इज यस, यस एंड यस। अब कैसे करें, अब आते हैं टेक्निक पे। सबसे टेक्निक नंबर वन, इसको मैं बोलता हूँ माई न्यू रियलिटी। आपको एक पेन पेपर लेना है, या मान लीजिए अगर आपका पेन पेपर नहीं है तो आप मोबाइल पे अपने कर सकते हैं। आपको एक हेडिंग डालना है माई न्यू रियलिटी। हर एक मोबाइल में आजकल सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कोई भी आप नोटपैड या कीप ऐप है गूगल का, आप वो यूज़ कर लीजिए। हेडिंग डालिए माई न्यू रियलिटी। उसमें आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं, आपको वो सेंटेंस लिखने हैं जो आप रियलिटी चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको प्रेजेंट टाइम में ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, इसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो आपकी डिजायर्ड रियलिटी क्या होगी कि अब मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ, नाउ माई ब्रीथ इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपको पहला सेंटेंस ये लिखना है। इसी तरीके से आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको बस सिम्टम्स पे जाना है, आपको प्रॉब्लम्स पे जाना है। सेकेंड, मान लीजिए आपका बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप सेकेंड सेंटेंस लिखे कि मेरा जो बुखार है अब वो बिल्कुल कंट्रोल में है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप लिखिए, मान लीजिए आपको खांसी कंट्रोल में नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, लिखिए अब मेरी खांसी बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपको 3 to 4 to 5 सेंटेंस लिखने हैं विद द हेडिंग माई न्यू रियलिटी। अब इन सेंटेंस को आपको जितना हो सके आपको इसको पढ़ना है, बार बार आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन से पे आप इसको सेव कर लीजिए। जितना आप इसको देखोगे, जितना आपके माइंड में रिपीटेटिव थॉट जाएगा, उतना ये आपका बिलीफ इंड्यूस होगा और आपकी रियलिटी को कन्वर्ट क्रिएट करेगा। देखिए अगर अपने ब्रेन को हम लोग राइट टाइम पे राइट थॉट दे पाए, कंसिस्टेंटली अगर आप अपने ब्रेन को ये थॉट दे पाए, तो ये थॉट आपका बिलीफ बन जाएगा आपके ब्रेन में। वो देखिए एक प्रिंसिपल है न्यूरोसाइंस का कि न्यूरॉन्स दैट वायर्स टुगेदर दैट फायर्स टुगेदर। इसका मतलब कि जो भी न्यूरॉन्स बार बार फायरिंग करते हैं, न्यूरल फायरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सेंटेंस आप बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल फायरिंग होती है और हमारा ब्रेन एक पैटर्न बनाता है।
तो जब भी बार बार आप एक सेंटेंस को आप रिपीट कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपकी विश है, जो आपकी नीड है, जो आपकी डिज़ायर है, वो आपके ब्रेन में चेंज करेगा। और देखिए हमारे शरीर, हमारा शरीर कैसे रन होता है, कैसे ड्राइव होता है, हमारा शरीर हमारे ब्रेन से चलता है। अगर अपने ब्रेन में आप राइट इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देंगे तो बाकी काम ब्रेन का है, वो कैसे डिजीज़ को हील करना है। तो आपको इसमें वो सेंटेंस लिखने हैं, और इसके लिए अफर्मेशन वर्ड बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आप बस वो यूज़ कीजिए, माई न्यू रियलिटी। क्योंकि हम लोग जो भी थॉट यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसका हमारे ब्रेन पे, हमारे बॉडी पे, हमारे लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इसी बात को ना जानते हुए, ना समझते हुए, अनकॉन्शियसली हमने इस डिज़ीज़ को इस लेवल तक ले आए हैं। सो अब हम लोग को सेम साइंस को यूज़ करके इसी डिज़ीज़ को अपने लिए हील करना है, और आपको अपने आप को इंश्योर करना है कि आप अपने आप को 100% हील करें। ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, आपको करना है, और आपको करना है। क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो केवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई जब घर का एक पर्सन जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये आप इस चीज़ों को सीरियस लीजिए, इसको यूज़ कीजिए, और विथ 100% सर्टेनिटी अपने आप को हील कीजिए। सबसे पहली टेक्निक मैंने आपको बताई, माई न्यू रियलिटी टेक्निक। इसमें आपको माई न्यू रियलिटीज़, नंबर वन, जो भी आपका पेन पॉइंट है उसका जो जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है आप उसमें लिखिए, मोबाइल में लिखिए, पेपर पे लिखिए, जहाँ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। आपको 3-4 वो सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपको रियलिटी क्रिएट करना है। और आप अगर आप डिजीज़ से जूझ रहे हैं तो पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपने आप को हील करें, क्योंकि जो आपकी जो अनकॉन्शियस प्रायोरिटी है उसको हमारा ब्रेन फुल्ली सपोर्ट करता है। तो आपके पूरे सेंटेंस वही होने चाहिए कि अब ये ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब ऐसा है। जब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, आपको लिखना है कि नहीं, अब मैं घर पे हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अब मैं खुश हूँ। ये कैसे वर्क करेगा मैंने आपको थोड़ा डिटेल शेयर किया, बाकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम को ब्रेन को, यूनिवर्स को करने दीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसके 7 लेयर्स होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे हमारा कलेक्टेड अनकॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे हमारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा जो ब्रेन होता है एक दूसरे से अनकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड होता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। तो अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको ये यूनिवर्स आपको हील करेगी, और आपको हील कर होना इन टेक्निक से। ये पहली टेक्निक है। अब मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ। दूसरी टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको डेली अपने मोबाइल पे, पेपर पे हेडिंग डालना है, माई न्यू रियलिटीज़। फिर से इसमें आपको अपनी 10 विशेज लिखनी है, 5, अगर आपको ज़्यादा लिखने मुश्किल हो तो 5 कर लीजिए, आसानी से लिखना है तो 10 लिखिए। इसमें आपको 10 वो विशेज लिखनी है जो प्रेजेंट टाइम पे तो रियलिटी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि रियलिटी हो। जैसे जो भी पेनफुल रियलिटी है, जैसे एग्जाम्पल, इसमें से कुछ जो माई न्यू रियलिटी आपने ऊपर लिखा था कुछ कॉमन हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ठीक, सब ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको जो भी आपकी विशेज हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप घर पे हैं, तो आपको लिखना है कि नाउ आई एम एट होम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। झूठ है लेकिन लिखना है ताकि अपने ब्रेन को आप सिग्नल दे पाओ, ताकि आपका ब्रेन उस जो भी आपकी डिज़ायर है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। सेकेंड, जो भी आपकी सेकेंड विश है, जो भी आपका पेन पॉइंट है, जैसे सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लिखिए कि अब मुझे मेरी सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, पूरा फील करना है, पूरा फेथ करना है, लिखना है आपको इसको। थर्ड विश लिखिए, फोर्थ लिखिए, फिफ्थ लिखिए। दिस इज़ द टेक्निक नंबर 2। जब आप डेली लिखते हैं तो आपके ब्रेन में वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। जब वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं तो वो आपके ब्रेन में वो बिलीफ क्रिएट होते हैं। वो बिलीव जब क्रिएट होते हैं, पैटर्न्स जब क्रिएट होते हैं, तो वो आपके बॉडी को फिर वो वैसा ही सिग्नल देते हैं। आपके बॉडी को उसी तरह वैसे ही हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, और हमारा जो ब्रेन है, बॉडी में कोई भी छोटे मोटे वायरस हो उसको हील कर सकता है, किल कर सकता है, अगर हम अपने ब्रेन को ठीक से यूज़ करना सीख जाए तो। और कैसे यूज़ करना है उसकी टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड टेक्निक है, इसको बोलते हैं डेली 10 विशेज टेक्निक बोलते हैं, हेडिंग माई न्यू रियलिटीज़। अगर आपको लिखने में मुश्किल हो तो 5 लिखिए, अदरवाइज 10 लिख सकते हैं, मिनिमम 5 आपको लिखना ही लिखना है। सो दिस इज द टेक्निक नंबर 2।
थर्ड जो टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी है उसको बोलते हैं थैंकफुलनेस। आपको थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है सुबह से लेके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप, अब बस थैंक यू 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 थैंक यू। क्योंकि जब हम लोग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो यूनिवर्स में हम लोग जो भी वर्ड सेंड करते हैं, यूनिवर्स वैसी सिचुएशन को हमारी लाइफ की रियलिटी में क्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है। तो हम थैंकफुल कब होते हैं? हम थैंकफुल तब होते हैं जब लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो हम लोग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ब्रेन अपने आप उसी फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट करना शुरू करेगा, बॉडी में जो भी चेंजेस करना है वो करना शुरू करेगा और आपको बहुत ऑप्टिमम स्पीड पे हील करना शुरू करेगा। सो दिस इज़ द टेक्निक नंबर 3। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेक्निक नंबर 4, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इमेजेस। कोई भी पर्सन लाइफ में जो भी कर पाता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो इमेज बना पाता है। कोई भी पर्सन लाइफ में जो चीज़ नहीं कर पाता है वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो उस इमेज को नहीं बना पाता है। अभी तक लॉ ऑफ इमेजेस हम सब लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन चीज़ों को अनकॉन्शियसली नेगेटिवली यूज़ किया है, इसीलिए जो भी जिस नेगेटिव सिचुएशन में हॉस्पिटल में उसने नेगेटिव इमेज देख के टीवी से इधर उधर डर से अपने यहाँ तक अपने आप को पहुँचा दिया। अब सेम मेथड से सेम टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को हील करना है। करना क्या है इसमें? आपको इमेजेस क्रिएट करना है। आंख बंद करके एक इमेज क्रिएट कीजिए और उस इमेज में अपने आप को उस सिचुएशन में देखिए जिस सिचुएशन में अपने आप को आप देखना चाहते हैं। इमेज क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो टेक्निक वो इजी हो जाएगा। आपको बस एक जस्ट अपने माइंड साथ हमें खेल खेलना है। अपने माइंड को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने माइंड को हम लोग वो सिग्नल दे रहे हैं जिससे हम लोग अपने विशेष को पूरी कर पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ, अपने आप को रिकवर कर सके विथ 100% सर्टेनिटी, विथ 100% सर्टेनिटी। और इसको आपको इतना सुनना है, इस वीडियो को इतना सुनना है, इसको शेयर कीजिए जब तक आप ठीक ना हो जाएं। अगर आप इस पे फेथ करेंगे, इस फेथ के साथ अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ठीक होना ही होना है। आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपको कोई ठीक होने से रोक सकता है तो केवल आप खुद हैं। और वहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, उसको मैं सारे को रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज लॉ ऑफ इमेजेस। क्या करना है? आईज क्लोज कर लेना है, कोई भी म्यूजिक प्ले कर दीजिए इंस्ट्रूमेंटल, और बस वो इमेजेस क्रिएट कीजिए कि अब सब ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, अब आप बिल्कुल हेल्दी हैं और अब आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं, दूसरों को हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं डरो मत सब ठीक है। अब आप एक रूटीन लाइफ में अपने हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल थैंकफुल हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इमेजेस, टेक्निक नंबर 4। अब मैं आपको शेयर करता हूँ टेक्निक नंबर 5, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेल्फ लव। देखिए हम में से कई लोग खुद को क्यों नहीं हील कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग किसी न किसी अनकॉन्शियस लेवल्स पे खुद से हेट करते हैं। अगर आप खुद से हेट करोगे तो खुद को हील नहीं कर पाओगे आप। तो आपको सेल्फ लव को समझना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, अपनी अच्छाइयाँ। ठीक है, देखिए सब में अच्छाइयाँ होती हैं, सब में कमियाँ होती हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसमें केवल अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को लव करना है। एक स्टेटमेंट है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसको बोलते हैं आई लव यू, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं जैसा भी हूँ आई एम गुड। एक्सेप्ट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। सो आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ जिसकी प्रैक्टिस करनी है। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एम अ फैन ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। क्योंकि आपके लिए अगर कोई पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो आप खुद हो। आपका जो सबसे ज़्यादा फायदा कर सकता है वो आप खुद हो, आपका जो सबसे ज़्यादा ख्याल रख सकता है वो आप खुद हो, और आपको इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। सो मैंने आपको ये 5 टेक्निक शेयर किया, मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार फिर से बैठ जाए, आप इसको लिख लीजिए। टेक्निक नंबर 1 माई न्यू रियलिटी टेक्निक। कैसे प्रैक्टिस करना है मैंने आपको शेयर कर दिया। जो भी आपकी पेनफुल रियलिटी है उसके अपोजिट जो भी आपकी वो रियलिटीज़ हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप एक स्टेटमेंट लिखिए,
आप उसको अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लिखिए, पे रखिए, पेज पे रखिए, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। और स्पेशली रात में सोने से पहले ये पढ़ के सोना है, और सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक मैंने आपको बताया, डेली 10 विशेज टेक्निक। इन टेक्निक्स को अंडर वैल्यू आप बिल्कुल मत करना, ये इतनी पावरफुल है कि आप बिना मेडिसिन के अपने आप को हील कर सकते हैं। और इस टाइम पे ये नीड ऑफ द आर है। बहुत इमोशनल रीजन से ये सारे सीक्रेट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड आप इसको यूज़ कीजिए। सेकेंड टेक्निक में आपको जो भी रियलिटीज़ आप चाहते हैं वो आपको लिखना है। आपकी लाइफ में जो भी पेन है, आप हॉस्पिटल में, आप घर होना चाहते हैं, लिखिए नाउ आई एम एट होम एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही, लिखिए नाउ माई ब्रीदिंग इज़ वेरी नॉर्मल। आप इसको लिखिए और ये आपके लिए वर्क करना शुरू करेगा। टेक्निक नंबर 3, आपको थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा, स्पेशली मॉर्निंग में करना ही करना है, रात में सोने से पहले करना ही करना है। जितनी आप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मेडिसिन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी आप इन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इमेजेस, इमेजेस क्रिएट कीजिए जो आप चाहते हैं। एंड 5th, लॉ ऑफ सेल्फ लव, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, लव कीजिए, और अब ताकि आपका ब्रेन आपको हील कर सके। आपका ब्रेन ही आपको हील कर सकता है। उस पर जो भी ब्लॉक्स थे वो मैंने हटाने की कोशिश किया। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इसको आपको तब तक देखना है। आप रात में इसको YouTube पे प्ले करके आप सो जाइए, ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, आपको हील करेंगे विथ 100% सर्टेनिटी। सो एक बार मैं फिर से पूरा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इस डिज़ीज़ के कॉज को लेके बात किया था, और इस डिज़ीज़ के कॉज में हमने मेजर कॉज हमने ये माना था कि हमने इस थॉट को एक्सेप्ट किया, जो एक नॉन सपोर्टिव थॉट था उसको हमने पैम्पर किया, नूरिश किया, एम्पावर किया, जिस वजह से ये सिचुएशन हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। पावर ऑफ सजेशन, पावर ऑफ थॉट, अभी तक की जितनी भी डिस्कवरी हुई उसमें मोस्ट पावरफुल चीज़ है। हमें इसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। जितने भी लोग प्रैक्टिशनर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, पॉजिटिव साइकोलॉजी के, उन सब लोगों को ये बात पता है। दुर्भाग्यवश हमारे मीडिया वालों को ये नहीं पता है, और ठीक है उन पर हम लोग नहीं जा उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव एलिमेंट है। जो ये डिजीज़ है उससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो मीडिया पर्सन है। हमने राइट माइंडसेट की बात किया। राइट माइंडसेट का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात समझिए, आपकी डिजीज़ डायग्नोज हो चुकी है, उसकी मेडिसिन है, जिस मेडिसिन से सब लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो जाएंगे, दैट्स इट। दैट इज़ द सिंपल माइंडसेट जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक प्रिंसिपल है, थॉट बिकम थिंग्स। अब आप राइट थॉट चूज करना सीख रहे हैं तो आप राइट रियलिटी भी क्रिएट कर लेंगे। और इस डिजीज़ को लेके इंडिया में अप टू 99% लोग रिकवर हुए हैं जब लास्ट टाइम हुआ है, तो इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो जब सब रिकवर हो रहे हो ऑलमोस्ट, तो आप भी रिकवर होंगे, और आपको भी होना है। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको तब तक सुनिए जब तक आप हील ना हो जाए, जब तक आप ठीक ना हो जाए। एक कहानी मैं शेयर करता हूँ फिर हम लोग क्लोज करेंगे कि फेथ पावर, क्योंकि हम लोग ये जो टेक्निक है इसमें फेथ का रोल होता है। आप इस पर जितना फेथ करेंगे आपके उतना ज़्यादा वर्क करेगी। जो जितना ज़्यादा फेथ करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा वर्क करेगी, जो जितना कम फेथ करेगा उसके लिए उतना कम वर्क करेगी। एक स्टोरी शेयर करता हूँ फेथ को लेके, ताकि आप इसको और अच्छे समझ सकें। एक गांव की बात है। एक गांव में दो संत हुआ करते थे। तो जब भी बारिश नहीं होती थी गांव में, तो गांव के लोग उन दोनों संतों के पास जाते थे और प्रे करते थे कि पानी, बारिश नहीं हुई, आप कुछ कर दीजिए। तो वो दोनों संत क्या करते थे, वो डांस करते थे, वो नाचते थे, और वो तब तक नाचते थे जब तक बारिश ना होने लगे। तो ये बात दो और ऐसे ब्रह्मचारी थे, उनको पता चला, तो उनको लगा कि शायद उस पेड़ के नीचे कुछ होगा, वहाँ पे डांस करने पे जब उनके बारिश होता है। तो इन्होंने बोला, इसमें गांव के लोगों से इन्होंने बोला कि इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो हम भी कर लेंगे। तो गांव के लोगों ने बोला, ठीक है, इस बार जब बारिश नहीं होगी तो हम आपके पास आएंगे। तो जब उनके पास गए तो वो दोनों जो ब्रह्मचारी थे वो उस पेड़ के नीचे गए, डांस करना शुरू किया। आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, डेढ़ घंटा हुआ, उनकी हालत ख़राब होने लगी। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर जो वहाँ पे जो संत थे उनसे उन्होंने पूछा कि राज क्या है, जब इस पेड़ के नीचे आप डांस करते हैं तो बारिश हो जाती है, हम लोग किए तो बारिश नहीं हुई, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि देखो, एक्चुअली जब जो संत थे उन्होंने आंसर किया, उन्होंने बोला कि देखो, जब मैं जब डांस करना शुरू करता हूँ तो ये मन में भाव रख के शुरू करता हूँ
कि जब तक अब बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरे मन में यही भाव होता है और यही सच होता है। तो जब मैं इस भाव के साथ करता हूँ तो फिर बारिश होने लगती है। सो इसको बोलते हैं पावर ऑफ फेथ, कि आपको इसको इस इन टेक्निक्स को, इस जो भी मैंने आपको शेयर किया, इसको बार बार आपको इसी भाव के साथ सुनना है कि इसको मुझे तब तक सुनना है जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ, जब तक मैं अपने घर ना पहुँच जाऊँ, जब तक मैं इस बीमारी से बाहर ना आ जाऊँ। सो आपने अब इतने ध्यान से देखा सुना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सभी को शेयर किए कीजिए। दिस इज़ द नीड ऑफ द आर। और ये जो भी मैंने आपको टेक्निक शेयर किया, ये आपको 100% सर्टेनिटी के साथ हील कर देगा। जो भी रिसोर्स की कमी है उन सारी कमियों को ये पूरा करेगा। बाकी चीज़ें भी आप करते रहिए और अपने आप को ठीक कीजिए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जितने भी नीडी हैं आप उनको खुल के शेयर कीजिए। क्योंकि इस इन टेक्निक्स को लेके किसी ने इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं किया, मैं भी पहली बार इतना खुल के इसको शेयर किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।